सत श्री अकाल साथियों, दो दिन पहला पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ते पंजाब के मानयोग असल चीफ मिनिस्टर केजरीवाल साहब होशियारपुर पहुंचे सीगे। उत्थे उन्होंने बहुत सारी घोषणावां कीतियां ते जिस तरह इस आम आदमी पार्टी की लीडरशिप की आदत बन चुकी है, हरेक काम दूजी सरकारां दे काम दे उत्ते क्रेडिट लैण दा एक होड़ इन्हां दे विच लगी हुई है। कुछ दिन पहला इन्होंने जिस तरह आटा स्कीम नूं लै के प्रोसैस चालू किया है, वह तो जो प्रोसैस है वो वास्ते भी थोड़े को आके सारी गल मैं लैके आऊँगा। फैक्शन जिहड़े कर रहे हैं तैयारियां कर रहे हैं, बट इस दौरान इन्होंने जिहड़े होशियारपुर के अंदर जो अनाउंसमेंट्स की, चाहे मैडिकल कॉलेज नूं लैके, चाहे गुरु रविदास जी के धाम नूं लैके मेमोरियल जिहड़ा उत्थे इन्होंने डेडिकेट किया है, होर भी जिहड़े उत्थे कई गल्लां कीतियां उन्होंने उत्ते पूरा चानना पाण वास्ते साडे मानयोग मंत्री केंद्र सरकार दे अंदर सोम प्रकाश जी वो अज थोड़े नाल विचार सांझा करनगे। इस करके वो सारे उस गल दे उत्ते रोशनी पाणगे कि किहड़े किहड़े पंजाब दे लोकां नूं गुमराह करके झूठ बोल के सरकार वाई वाई लै रही है। इस करके मैं बेनती करूँगा सोम प्रकाश जी नूं कि प्लीज़ पंजाब दे लोकां नूं सच तों जाणू करवाओ, आ जिहड़ी सच्चाई है फैक्ट्स के नाल तुहानू दसंगे। सोम प्रकाश जी प्लीज। नमस्कार, सत श्री अकाल। जिवें डाक्टर जी ने तुहानू दस्सिया 18 तरीक नूं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ते दिल्ली के मुख्यमंत्री ते इनके कोआर्डीनेटर अरविंद केजरीवाल जी होशियारपुर गए सी। उन्होंने एक विकास क्रांति नाम की रैली करके कई घोषणावां कीतियां। 867 करोड़ रुपए का उन्होंने कहा लोगों को गिफ्ट दे रहे हैं। 867 करोड़ की डिटेल जी उन्होंने दी है, बोल के दसिया। सब तो वीडी तो दस ने 550 करोड़ रुपए मैडिकल कॉलेज ने होशियारपुर का, गुरुदास मेमोरियल ऑडिटोरियम से ओपन एयर थिएटर 147 करोड़, सीवेज 31 करोड़, फगवाड़े 14 करोड़, तो एक होर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 26 करोड़ रुपए की गल की है। 867 करोड़ रुपए ने टोटल दसे ने। मेडिकल कॉलेज की गल करिए, मेडिकल कॉलेज उन्होंने कहा भी मैंने जो कि जो बार हुई है उत्ते साढ़े बच्चे फस गए थे पढ़ गए मेडिकल दे, इस करके उन्होंने ख्याल आया भगवंत मान जी तो केजरीवाल साहब ने कहा उसने सोच के ही सोचा मेडिकल कॉलेज बनाइए। मेडिकल कॉलेज की असली स्थिति यह है कि 2020 यह स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव की थी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मैं सब तो पहला प्रधानमंत्री जब मैं चुन के गया पहला लैटर लिखा कि सू मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, उस बजट से एक स्कीम उन्होंने अनाउंस की थी, उस दो मेडिकल कॉलेज पंजाब लई एक कपूरथले लई एक होशियारपुर लई मंजूर होया थी। 550 करोड़ के जरा सी 550 करोड़ की गल कहते हैं, ये 418 करोड़ का टोटल स्कीम सी जिसे सेंटर का शेयर 60% 40% पंजाब सरकार ने पाना से, हूँ इन्होंने 550 कहता है सेंटर का शेयर भी बढ़ गया। अज तक ना तो यह टेंडर ला सके, दो बारी टेंडर लाया इन्होंने, वो टेंडर का सिर नहीं चढ़िया, ये सौ पैसे ये होर बढ़ गए, होर खर्चा सेंटर भी बढ़िया, इन्हों का भी हले हले तक काम शुरू नहीं हो सकता। सेंटर की स्कीम 60-40 की स्कीम है जी, सर ने 550 करोड़ लोगों को झूठा लाड़ा लाई जाते कहते अभी बढ़ाता। और इन्होंने एक कहा कि उत्थे होशियारपुर च ना तो सोम प्रकाश कदे पहुंचया, ना कितने कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचया, ना सरदार प्रकाश सिंह बादल पहुंचे। सरदार बादल साहब तो सारे जानते हो, गली गली महल्ले महल्ले हर पिंड गए होने, जो उन्होंने बारे यही गल करनी, कैप्टन अमरिंदर सिंह बारे गल करनी। मैं उत्थे दा पार्लीमेंट का मैंबर हाँ, मैं जिस दिन हो गए उस दिन भी उस हल्के से, एक दिन पहला भी मकेरिया दूए थी, मैं दो दिन तीन दिन हल्के चाहना हर हर जगह जाने की कोशिश करता,
होर भी जो सारे काम करने पैंदे। मैं एक गल हजूर साहब जी करनी चाहांगा, जिते झूठ बोलन के मारता है केजरीवाल साहब झूठ बोल के फिर माफी भी मांग लेंदे ने, इस करके मार ने, पर जिस ढंग ने झूठ बोलिया वो हद पार कर दी। जिन्हिया स्कीम इन्होंने अनाउंस कीतियां सारिया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ने, और सेंट्रली स्कीम के थले इन्होंने अपने नाँ से एक सिर्फ बोर्ड लाए ने, बोर्डा से लिखता इन्ने पैसे साढ़े इन्ने पैसे इन्ने पैसे, सारे सेंटर दकीम के पैसे ने। अपना शेयर तो मैडिकल कार्ड भी नहीं पा सके, असी जो स्कीम मंजूर की थी अपना पैसा पहला इन्होंने भेजा से, इन्होंने को पे 2020 की स्कीम जी यूक्रेन बाद शुरू हुई है, क्या उन्होंने देख के स्कीम याद आई। सो हादसों वाली गल्ला करते हैं। मैं तुम्हें होर जानकारी दसा कहते ने असी कोई काम नहीं किया, मैडिकल कॉलेज लई 60-40 की स्कीम से पहला पैसा भेज चुके हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना 112 करोड़ 113 करोड़ रुपया भेजा, अमृत स्कीम जी कहते हैं असं चीजें का काम करना, शहर लिए असं 18 करोड़ 43 लाख रुपया भेज चुके हैं, फगवाड़े लिए 14 करोड़ की गल करते हैं, फगवाड़े के लिए फगवाड़े में इन्होंने पहला 20 करोड़ रौला पाया, 8 महीने हो गए, बोर्ड भी लाते धन्यवाद दे हूँ करके 16 कर दिता। मैं तो पूछा जी 16 के उन्होंने जो इंजीनियर ने कट के 5 कर दिता, 5 में 1 करोड़ रुपया उत्थे गया, अज तक फगवाड़े से 1 करोड़ रुपया गया, जो 20 करोड़ धन्यवाद दे बोर्ड भी लाते वो खत्म हो गया, हम 14 करोड़ रुपया 14 चो 5 इंजीनियर ने मंजूर किया, 1 करोड़ अज तक गया, बाकी सारा झूठ दुकान खड़ा करते हैं। हुशियारपुर मुगवाड़ा की 4 लेनिंग सड़क ली अभी 1563 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट में पास कराया, ये टेंडर लग गए ने, काम अलाट हो गया, ठेकेदार उत्थे आ गया, काम शुरू होने वाला 1563 करोड़ का, जो कहें काम नहीं करते उत्थे गए नहीं है, 1563 करोड़ का काम शुरू किया। तलवाड़ा मकेरिया रेल लिंक 411 करोड़ का अभी उत्ते शुरू किया, फगवाड़े में 2 अंडरपास एक ओवरब्रिज वाले 57 करोड़ का काम शुरू किया, कंडी एरिया नैटवर्क दिया 41 टावर लाए ने, फगवाड़ा शुगर मिल तो 15 करोड़ 72 लाख रुपया, MP लैंड के 17 करोड़ रुपया, टोटल 2500 करोड़ रुपए के काम है अपने हल्के मोटे मोटे, जो मैं कहना मैं बाकी सेंट्री स्कीम सारिया चल दी उन्होंने तो बिना आप चेचे तौर पर कोशिश करके शुरू किए ने, किसी भी होर मैंबर पार्लीमेंट उन्होंने भी कोशिश की होगी, मैं कहना मेरे हल्के सारे तो वह काम शुरू होए ने। मैडिकल कॉलेज कई कहते असी बनाया, असी सेंक्शन कराया, सेंटर की स्कीम है यह सारिया, अमृत की स्कीम च पैसा आता, फाइनांस कमीशन 14-24 करोड़ रुपए आ, ये 10-12 जो हैड ने ये सारे पैसे आप चेचे तौर पर कोशिश करके भिजवाए ने, यह तो सिर्फ गल्ला करने वाले ने। भगवंत मान जी कहते सी असल गल की है, इन्हों सब तो ज्यादा डर भी हुशियारपुर तो लगता, पिछले बार इलेक्शन इन्हें 4th नंबर पर आए थे आम आदमी पार्टी, 4 करोड़ 4,21,000 वोटा मैंने पाइया, 3 करोड़ 71 लाख इन्हों कांग्रेस को, 3rd नंबर पर BSP की, 4th नंबर पर आए थे सिर्फ 44,000-45,000 वोटा पाइया, इस करके सब तो ज्यादा डर भी इन्होंने हुशियारपुर तो लगता, इन्हें पता सब तो ज्यादा खतरा सामने इतों, इस करके ज्यादा हुशियारपुर के गेड़े मारते हैं, मे गेड़े भी ये कहते हैं भगवंत सिंह मान थोड़े हर रोज थोड़े मगर थोड़े ना रहा, हुशियारपुर सिर्फ 2 वारी गया है, एक दुशहरे वाले दिन गया उत्ते अनाउंस किया मैडिकल कॉलेज की असं अगले समेस्टर तो शुरू करा, हूँ गया 18 तरीक न उस दिन क्या मैडिकल कॉलेज शुरू करे गए 2026 तो शुरू करा, पहले अगले समेस्टर तो कहते हम 2026 की तरीक दे, पैसा एक नहीं उन्होंने को है ना, इन्होंने लाया टेंडर 2 वारी हो चुके ने, दोनों वारी कोई टेंडर इनका भरता नहीं, कंडीशन ऐसे ही रखते हैं कि अपने खास बंदे देना चाहते हैं, इस करके कंडीशन इस तरह नहीं रखते हैं। सो मैं तो यही तुम जानकारी देनी चाहता मुख तौर पर, यह गुरु रविदास महाराज जी के नाँ पर जो ऑडिटोरियम की गल करते हैं, ये अकाली भाजपा सरकार वेले शुरू होया, 148 करोड़ 100 करोड़ की उदो लागत रखी थी, 110-115 करोड़ जो एस्टीमेट बनया, बहुत सारा काम तो शुरू हो गया जी, उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह अकाली कांग्रेस की सरकार है उन्होंने भी काम किया, इन्होंने तो रंग रोगन करा के डेडिकेट कर दिता ना अपने रंग ने असी किया, स्कीम जी चाहे करतारपुर साहब जो आजादी की जंगे आजादी बनिया वो भी एक भगवान वाल्मीकि जी का अमृतसर जो स्थान बनया,
इतने इकट्ठे शुरू हुए थे और सिरे चढ़े भी थे। वो अकाली भाजपा सरकार ने बनाई थी, कांग्रेस ने 5 साल काम किया, उदो भी काम होया। ये तो अपने ना सिर्फ लाते ने इन्हों वालों, मैं नहीं लगता जो काम इन्होंने किए, चाहे मेडिकल कॉलेज का हो चाहे गुरुदास मेमोरियल का हो, सीवरेज के सारे सेंटर के पैसे उगाड़िया पैसा आया कोई नहीं। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो खेलो इंडिया की गल करते हैं, वो भी भारत सरकार की स्कीम है। सारिया स्कीम के पैसे मुख्य तौर पर सेंटर के ने, इन जो अपना शेयर पाना वह पैसा पाया नहीं है, इस करके काम शुरू भी नहीं हो रहा। मेडिकल कॉलेज 2020 का सेंक्शन होया, अज तक शुरू नहीं कर सके, टेंडर ही नहीं कुछ चढ़ता। सो मैं थोड़े ध्यान से यही गल लिया चाहता सियाकर साहब नाल बैठे ने, इस करके थोड़े ध्यान सारी गल इस कर लिया चाहते सी कि लोगों सच का पता हो क्या असलीयत क्या है। गल्लां बहुत मारते हैं, झूठ सिरे का मारते हैं, बाद चुनाव भी मांग लेते हैं। थैंक यू, बहुत धन्यवाद सोम प्रकाश जी, क्योंकि बड़ा जरूरी है पंजाब के लोगों को असलीयत पता लगे। एक आदत जिस तरह मैं कह के हटा बन गई है आम आदमी पार्टी की, भी हरेक चंगे काम के उत्ते चेपी अपनी ला के वह क्रैडिट लेना चाहते हैं। मैं भगवंत मान जी ने एक बेनती करना चाहूँगा, भगवंत मान जी जेडे थोड़े अपने कारनामे है वह तो तुम उन्होंने सिर अपने सिर बनो, वो क्यों छिटी जाने हो? क्योंकि कुछ दिन पहला मैं विधानसभा इन्हों की डिबेट हो रही थी टीवी पर, मैं देख रहा, भगवंत मान जी बहुत नाराज हो गए क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहते कहता भी आ टेलीफोन बनाने वाले जड़े टेलीफोन रिपेयर करने वाले तो MLA आ गया, इन्होंने पता की है। तो वाकई उन्हों का गुस्सा बड़ा जायज़ सीगा भगवंत मान जी का, भी आ कोई भी आ लोकतंत्र की वैसे खूबसूरती है साहब, भी कोई भी बंदा लोग जिन्हों चुन के भेजते हैं नुमाइंदा बन के, मैंबर ऑफ पार्लीमेंट, मैंबर ऑफ लैजिस्लेटिव असैम्बली, MLA बनता है, MP बनता है, पर जिथे लोकतंत्र की आ खूबसूरती है भी इतने कोई भी बंदा बन सकता है। ये मैं समझता लोकतंत्र के अंदर एक बहुत बड़ा एक ग्रे एरिया भी है भी कोई भी बंदा ये आ सकता है। जो 2022 वाले इलेक्शन होने लगे सी और उस टाइम एक रिपोर्ट आई सी पार्लियामेंट्री लैजिस्लेटिव सर्विसिज की, सुनील जाखड़ नहीं कह रहा, PRS की जी PLS की जी एजेंसी है, उन्हें एक रिपोर्ट छापी सी भी 50% जेडे पंजाब के आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है उन्होंने सारे के उत्ते क्रिमिनल केसिस दायर है साहब, ऑफ ऑल सॉर्ट्स। मैं अच्छे मंत्रियों के उत्ते जो इल्जाम लग रहे हैं, जो क्लिप जो ली फिर नशर नहीं हुई, वो तो अगे फ्यूचर के दायरे से है कि निकलता है की करता, पर उन्होंने उत्ते क्रिमिनल केसिज रजिस्टर से। भगवंत मान जी उन्होंने नहीं क्लेम करते भी आ साडे हीरे है, वो एक गल करी जाते हैं साढ़े असूली आ कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार तो तुम होंगे साहब, पर धंधा कदों का तुम्हें ड्रग बेचने वाला काम क्यों तुम अपने मोढ़िया पर भार चक रखे? वह तो बथेरे गैंगस्टर बैठे है, अंदर बैठे है, जेलों से बैठे है। कल एक MLA साहब आंदे भतीजे ड्रग दे विच 1 किलो हेरोइन उन्होंने को बरामद हुई, उस पकड़े गए। मेरा एक सवाल है भगवंत मान जी, भगवंत मान जी है वो उस इलाके च जिथे SSP पहला गुरमीत चौहान साहब सीगे, उन्होंने तुम इस करके कटता भी उन्होंने एक MLA के रिश्तेदार के को रेता फड़ लिया, रेती की ट्राली रात को नजायज माइनिंग कर ली सी, ए करके उतों तोड़ता। अज तक मेरे ख्याल पोस्टिंग उन्होंने स्पैशल ड्यूटी पर लगी है DGP के हिसाब न, उन्होंने चौहान जी अज तक कित कोई उन्होंने बंदा जरा उन्होंने काबिलियत हिसाब की कोई पोस्टिंग नहीं दी। कि हूँ तुम कपूर साहब जो SSP है उन्होंने बदलोगे सब? उन्होंने भी नंबर तैयार है भी उन्होंने जाके वो पहला मेरे ख्याल MLA साहब के डेमो ही सके, दूजे MLA से हूँ जेडे MLA साहब है सुरंग सिंह जी, क्यों नहीं भगवंत मान जी कहते भी आ मेरा अनमोल हीरा है? उन्होंने तो डिनाई करता, कल मैं देख रहा उन्होंने आ रही थी मेरा ये कोई नेड़े तेड़े का कोई लागा देगा नहीं, पर भगवंत मान जी उन्होंने तो पता नहीं, क्योंकि अजकल राजनीति की कई मजबूरियां हो चुकी हैं। आता दूर नेड़े का चाचे भतीजे का रिश्ता होना है, अजकल तो लोग मापिया भी छड़ देंगे भी आ मेरा पिता ही है नहीं कोई, इस किस्म दल भी अज के दिन देखने मिल रही है जेडे माहौल लोकतंत्र का फायदा उठा के लोग जेडे अंदर आए हुए हैं, दैट इज देयर परसनल इशूज। पर
भगवंत मान जी तुसी तां इहदा अपने सिर ते लौना सेहरा बन्नो। आ एमएलए साहब दे उत्ते जिहड़े कह रहे हैं मेरा भतीजा नहीं बड़ा दूर दा रिश्तेदारी है, आ एक एफ आई आर की कॉपी है अज दी नहीं। चलो देख लो सब 2002 दी एफ आई आर है, 2002 दी ड्रग समगलिंग दे मतलब जनरल समगलिंग जिस अफीम दूजिया ड्रग्स सारिया लैके एम एल ए साहब के उत्ते दर्ज है साहब थाना है हरीके का। हाँ जी सुवर्ण सिंह जी तुन इन्हों के उत्ते 2002 की एफ आई आर दर्ज है। भतीजे पता नहीं है या नहीं है, पर एक गल देखो मैं किसी के परिवार से या किसी किस्म का कोई लंचन नहीं लैना चाहता, पर जे तुम इन देखोगे एफ आई आर ये ना पढ़ोगे जिन्होंने आ डिनाई कर रहे हैं भी इन्होंने सा कोई लेना देना नहीं। वैसे इन्होंने ताए जी रियल ताए जी के एम एल ए साहब के ताए जी के अगे वंशज है इन्हों के, जेडे ताए जी के दो होर भी बेटे है जेडे इन्हों कजन है इन्होंने आप दे भरा है एम एल ए साहब के उन्होंने दोवों भरावान के नाम भी ये सब पूरे का पूरा लाणा समगलिंग के केस के अंदर इन्होंने दर्ज है। भगवंत मान जी तुसी आ क्यों नहीं इन्हों अपना कहते भी आ मेरा बंदा है क्यों डिनाई करी जाते केंद्र सरकार की कोई भी स्कीम है उन्होंने तुम टेकअप कर लें भी आता असी देन लगे आटा देन लगे असी मेडिकल कॉलेज बना लगे कि यूक्रेन की लड़ाई क्यों थोड़ा याद आ गया कितने आके तुम गुरु रविदास के उत्ते जो पैसे लगे उन्होंने आके डेडिकेट करी जाने। भगवंत मान जी तुम कुछ तो माड़ा मोटा लोगों के उन्हों की काबिलियत उन्होंने सोच का मजाक इस तरह ना आता मजाक स्टेज पर ठीक रहा है, पर उन्होंने किस तरह मजाक करोगे। कल मैं लुधियाने जाके आया मिल के आया संभव जैन इंडस्ट्रियलिस्ट है सर अपनी फैक्ट्री जो बाहर निकले है दो दिन पहला नवी गड्डी लेके आए थे उन्होंने गड्डी मार के मोटरसाइकिल चारे मार के रोक के उन्होंने तो काबू गड्डी सिट लिया कार अबडक्ट कर लिया उन्होंने अबडक्ट कर लिया 5 करोड़ की फिरौती मंग रहे थे जो लग्या भी है उन्होंने वाइफ नूं क्या करे जो समान पे चक के लिया नहीं सो देंगे मुंडे नूं जो लग्या भी पुलिस मगर उन्होंने वाइफ के नाल कितने आ गई तो उन्होंने उन्होंने गोली मार के जिथों जिथे सीटे पुलिस थाने जिहड़ा मेन थाना उत्थे उस तो बिल्कुल बिल्कुल नेड़े उत्थे सीट के गए है। यह उह भगवंत मान जी है जिन्होंने याद करो 15 सितंबर एक सनतकारा नाल मीटिंग की थी सारे उद्योगपतियों नाल एक पंजाब दे भी तुसी इत्थे पंजाब दे अंदर इंडस्ट्री लाओ फोकल पॉइंट नवे बनाऊंगा फोकल पॉइंट्स दे अंदर स्पेसिफिकली उस दिन भी सारे इंडस्ट्रीज़ ने एक शंका जाहिर की सी भी साडे इत्थे कोई भी अपने आप नूं सुरक्षित महसूस नहीं करता चाहे मजदूर है चाहे मालक है हरेक बंदा डर खौफ तो फरौतियों तो बदमाशा तो लुट खोह तो डरिया है। तो भगवंत मान जी ने उस दिन प्रोमिस किया मैं 16 नए पुलिस पोस्ट इस्टैबलिश करूंगा इन्हों फोकल पॉइंट के अंदर इंडस्ट्री एरियाज के अंदर कितने है वह सारिया पुलिस चौकिया कितने वह पुलिस उन्होंने परिवार के अंदर अज उन्होंने अंदर मैं कल बाहर निकलिया हॉस्पिटल चो कई पूछने लगे जी उन्होंने की रिएक्शन मैं रिएक्शन उन्होंने क्यों आंदा बेचारे इतने सुरती है नहीं बोंदले फिरते भी साढ़े नाल होया की। अज पंजाब के अंदर कोई भी सुरक्षित नहीं है साहब अज कोई भी अपने आप में इस गल तो नहीं कह सकता मैं घरों बाहर निकलिया तो मैं सुरक्षित घरे पहुंचूंगा। मैं कल भी उत्थे बेनती करके आया अज फिर थोड़े राही मैं भगवंत मान जी ने एक सुनेहा लाना चाहता 2 दिन पहला भगवंत मान जी उत्थे साइकिल रैली कढ़ी सी ड्रग के खिलाफ पता नहीं मैं फोटो देखूंगा कि धुन साहब भी उस रैली के अंदर सीगे या नहीं उन्हां नाल कितने साइकिल वैसे तो मैं सिर्फ उत्थे पुलिस अधिकारी देखे उन्हां नाल साइकिल चलाते हो सकता एम एल ए सुवर्ण सिंह जी भी नाल ही होण कितने ना कितने या पहला अरदास करके आए उस दिन हरिमंदर साहब जाके अरदास सारा पंजाब करता है साहब सवेरे सब गुरु महाराज के वोट लैके अरदास करके घरों निकलते हैं। हुण तां खास तौर पर जदों का आ सरकार बनी है कोई अपने आप में सुरक्षित महसूस नहीं करता घरों निकलने पहले अरदास करके वाहिगुरु मेहर रखी वापस करे शाम को मुड़ के आ जाइए। भगवंत मान जी लोगों ने थोड़ा सरकार चलाने दी है सरकार चलाओ साइकिल ना चलाओ
साइकिल चलाने वाला काम तुम लोगों से नौजवानों से छड़ दो। मैं इस गल की बेनती करना चाहना तुम लोगों सुरक्षित माहौल ना दोगे उदों तीन थोड़े सारे दावे खोखले है। अपने तो पंजाबी कहावत है जग ज्यौद्या मेले सब जे ज्यौदा ज्यौदे रहेंगे तो किसी डिवेलपमेंट का मूँह देखा जे जी तुम कर रहे हो पर लोगों की सुरक्षा कानून व्यवस्था गैंगस्टर अज फिर इस किस्म के उन्होंने मूसेवाले के पिता अज भी न्याय की दुहाई कर रहे हैं। फिर अजे सैलफोन मिली जाते हैं जेलों के अंदर उन्होंने हत्यारे जोड़े आरोपी उन्होंने मिल रहे हैं। इन्हों गलों ध्यान च रख के मैं समझता पंजाब के लोगों को सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। इस करके सारे तत्व थोड़े सामने रखे है तो मैं इस गल की जरूर उम्मीद करूँगा कि भगवंत मान जी जेड़े जेड़े फिगर्स दिते है सोम प्रकाश जी ने इन्हों पर चानना पागे तो कि वो क्लेम करे या आ भी ये उत्ते भी वाइट वॉश किया जाऊगा भी आ जोड़े एम एल ए साहबान है या किन्ने एम एल ए किन्ने होर इस लपेट के अंदर आने ये कोई मैं कोई पेन ड्राइव नहीं लगोई फिर 2002 की है सब लैट इन कमेंट ऑन दिस ये उन्होंने मैं इंतजार रहूगा की कहें। धन्यवाद साहब। We have seen this is the one of the biggest issue about the Nral case. You have a document. Can you please clarify all these documents? In 2002, what is the case that you registered? Drug, sir. Smuggling of afim. ओपियम पर्टिकुलर केस का की जिहड़ा स्टेटस है आई लाइक टू फाइंड आउट। वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड आउट भी आ केस अगर स्टिल अगर अनडिसाइडेड है तो उन्होंने अपने एफिडेविट के अंदर मैनशन किया नहीं किया लुकिंग टू द फैक्ट बट दिस इज अ कॉपी एफ आई आर का नंबर भी थोड़ा सारे दे देंगे आ सारा तुम देख के दिस आर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट साहब हरीके थाने का है 2002 दे। जाखड़ साहब एक सवाल है मैं पिछली बार भी पूछा सी जिस जिहड़ा केबल ऑपरेटर ये कहने कि असीं ब्लैकआउट कर देंगे पहला सनौर सीगा हुण पटियाले भी ये काम जिहड़ा शुरू हो चुके है तारां कट्टियां जा रहीयां ने एसएसपी फिर कुछ नहीं कर रहे पुलिस कुछ नहीं कर रही इस तरीके नाल। जाखड़ साहब हाई कोर्ट दी नियमां दी भी तज्जियां होईयां जा रहीयां पुलिस कोई एक्शन लैंदी हुई नजर नहीं आ रही। देखो साहब इन्हां ने एक मजाक बना रखे है कोई भी आदमी अगर इन्हां दे खिलाफ आवाज उठांदा है चाहे वह कुमार विश्वास सी चाहे वह अलका लांबा सी चाहे कोई टाइम्स नाउ की जर्नलिस्ट सी जिदे ते केस किया ते जे कोई अगर चैनल या कोई केबल इन्हां दे खिलाफ खबर नशर करता इन्हां दी लाइन टो नहीं करता तो अज मैं समझदा सारे कानून नियमों की धज्जियां उड़ा के आ सरकार एक आटोक्रैट जी अपने आप नूं आम आदमी पार्टी की खास सरकार है सर यह लोग खास है जिस तरह पुलिस के घेरे के अंदर आ ओपरेट कर रहे हैं कहते मैं लोगों को मिलता पता नहीं कदों मिलते जिनी पुलिस इन्होंने सिक्योर करने से लगी है जिस तरह तुम सारे ने देखा लुधियाने के अंदर सुनेहा सारे पंजाब को देता भी आओ उत्थे ते जिन्हां लोगों ने आना से उन्होंने घर पुलिस भेज के उन्होंने नज़रबंद करता भी उत्थे आ गए तो तुम्हें देख लेंगे एक ऑटोक्रैट तानाशाह के तरीके सरकार चल रही है तो ये मैं समझदा भी मुहिम चला के ये नकेल पाने की लोड़ है। टेंडर दो बार लाया कोई टेंडर पाया नहीं है असि बार बार कह रहे सिरे चढ़ाओ टेंडर ही नहीं हजे कंप्लीट हो शुरू है 2020 का कंप्लीट हो। Thank you, sir.